विराट कोहली जब नॉट आउट थे तो उन्हें कैसे आउट दे दिया गया, आइए देखते हैं। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने दूसरी इनिंग की शुरुआत की और क्रीज पर विराट कोहली 17 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। तभी मेहंदी हसन की गेंद ऑफ स्टंप के सामने उनके पैड में लगी और जब गेंदबाज ने अपील की तो अंपायर ने आउट भी दे दिया। इसके बाद विराट कोहली के पास रिव्यू लेने का ऑप्शन भी था और उन्होंने नॉन स्ट्राइकर पर खड़े सुमन गिल से पूछा रिव्यू लेना चाहिए या नहीं। सुमन गिल ने ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया तो विराट कोहली ने रिव्यू नहीं लिया और पवेलियन की तरफ चल दिए। और जब रिप्ले में देखा गया तो गेंद का पहले बैट से संपर्क हुआ था, फिर इसके बाद पैड पर लगी थी। रोहित शर्मा भी रिप्ले को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए थे।